राजस्थान में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 122 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भरतपुर में 28, पाली में 25, चूरू में 16, जयपुर में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं झुंझुनू में भी 14 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, नागौर में 13, सिरोही में 3, अजमेर और अलवर में 2-2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दौसा, डूंगरपुर और झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में 122 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अन्य राज्यों के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर के 13,338 कोरोना संक्रमित हैं। वहीं कोरोना से आज एक और संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान में कोरोना से मरने वालों की संख्या 309 हो गई है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 122 नए कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। भरतपुर में 28, पाली में 25, चूरू में 16 पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं जयपुर में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झुंझुनू में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, नागौर में 13 पॉजिटिव मिले हैं, अजमेर अलवर में 2-2 नए पॉजिटिव मिले हैं। दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़ में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य राज्यों के 2 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,338 हो गई है। वहीं कोरोना से आज एक और संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान में कोरोना से मरने वालों की संख्या 309 हो गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भरतपुर से राजेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, क्या कुछ अपडेट है भरतपुर में? लगातार आपके ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है। जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है कि भरतपुर आजकल पूरे हॉटस्पॉट क्षेत्र में है और काफी करीब 25 दिन से जो पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है कोरोना की, उसको लेकर के हालात चिंताजनक ही है। डेली कोरोना के विस्फोट हो रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज भी 28 केस है जो पॉजिटिव मिले हैं, जिनको मिलाकर के भरतपुर जिले में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा जो 1,097 पहुंचा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि 28 जो केसेज मिले हैं उनमें भरतपुर शहर के 20 केसेज हैं, 5 केस उदावल के हैं। लेकिन भरतपुर शहर में जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से वो संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी चिंताजनक स्थिति वाली बात है जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं 4 जगह आज जैसे कर्फ्यू लगाया गया है, मतलब हालांकि हालात को देखते हुए पहले नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगा रखा था, जो उसमें ज्यादा कोई नरमी बरती जा रही थी, लेकिन कल कलेक्टर और एसपी, कलेक्टर नथवा डिडेल, एसपी हैदरली जेबी और अन्य अधिकारियों ने मिलकर के इन क्षेत्रों का राउंड लिया था पूरे शहर का। तो उसमें 4 जगहों पर ये पाया कि यहाँ कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है, कि जहाँ ज्यादा केसेज शहर में पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको लेकर के आनंद नगर मोहल्ला, गोपालगढ़, नमक कट्टा और माली मोहल्ला वार्ड नंबर 19 में आज से कर्फ्यू जारी लगाया गया है जी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बाजार का जो टाइम बढ़ाया है 9 से 7 बजे तक शाम को टाइम किया है, लेकिन बाजार में और जो धार्मिक और जो पर्यटन स्थल खोले हैं या बाजार का टाइम खोला है, अन्य जो खोलने की वजह से लोग सरकारी कार्यालय में भीड़ एकदम बहुत बढ़ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के ही भी चिंता का विषय है कि इसकी लेके क्या करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल यही एक बहुत बड़ी वजह निकल करके सामने आ रही है, पास जो आधार केंद्र के वहाँ कितनी सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं हो रही है, भीड़ हो रही है। कल उस खबर का असर ये देखने को मिला कि एसडीएम श्री संजय गोयल उस केंद्र पर पहुंचे हैं और वहाँ उन्होंने पाया कि वास्तव में भीड़ लगी हुई, तो उसको 3 दिन के लिए सील किया है और 500 रुपए का चालान काटा है। इवन टीवी का खबर का असर भी यहाँ देखने को मिला है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केसेज बढ़ रहे हैं इनको रोकथाम के लिए प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कल एक इस कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर मौत भी हुई है और मौत का आंकड़ा भी भरतपुर जिले में 19 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, और लगातार अगर डेटा देखा जाए, 33 जिलों की बात करें पूरे राजस्थान की, तो जयपुर और जोधपुर को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा अगर मरीज हैं, संक्रमित हैं, तो वो भरतपुर से हैं। तो कहीं न कहीं भरतपुर में जिस प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं उनमें कहीं न कहीं खामी जरूर देखने को मिल रही है, जिसके चलते कि लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जी आशीष, बिल्कुल सही बात है। पिछली बार जब मई तक जो स्थिति रही थी, 25 मई तक रहा था, तो उस समय पुलिस और प्रशासन का एक तालमेल के साथ एक गश्त रहती थी
गांव में रहता था और एक फोकस रहता था, कर्फ्यू भी लगाए गए थे तो उनका विशेष सक्रियता और बढ़ती गई थी जी। उसकी वजह से मतलब यहाँ इतने केसेज नहीं बढ़े थे। हालांकि उस दौरान जो भरतपुर जिले का यूपी बुक का जो आगरा जिला है वहां संक्रमित केसों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन उधर से भी इधर के लोग आना जाना रहा। उसके अलावा आगरा में संक्रमित केसों की संख्या 1054, उससे ज्यादा अब भरतपुर जी में संक्रमित संख्या पहुंच चुकी है। जी कहीं प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। आप तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखें। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर थे, जिन्होंने जानकारी दी भरतपुर में किस प्रकार के हालात हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते पाली। पाली से हमारे संवाददाता मनीष राठौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ में। मनीष, क्या कुछ स्थिति है पाली में? आशीष बताना चाहूंगा कि अभी 10:30 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 25 पॉजिटिव नए केस आए हैं। एक हिसाब से आंकड़ा हो गया है 844, वही एक्टिव केस 215 हो गए हैं। इस तरह जिले के पूरे आंकड़े हुए 844 कोरोना केस पॉजिटिव जी। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, पाली की बात करें 621 मरीज रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केस 215 बचे हैं अभी तक जी। आशीष, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो इंतजाम है वो काफी अच्छे कहे जा सकते हैं वहां के लिए। आशीष बता देना चाहूंगा कि प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था कर रखी है, कोविड पर भी लगातार जो मरीज है उनको इम्यूनिटी जूस से लेकर उनको योगा भी करवाया जा रहा है और लगातार उनमें इम्प्रूवमेंट भी देखा जा रहा है। रोज के रोज 10, 20, 25, 30 रोज मरीज को छुट्टी भी दी जा रही है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पाली संवाददाता मनीष राठौड़, जिन्होंने जानकारी दी वहां पर इम्यूनिटी बढ़ाने में भी प्रशासन जुटा हुआ है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,338 हो गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चूरू से हमारे संवाददाता योगेंद्र जी। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है चूरू में, किस प्रकार के हालात है, कोरोना को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी है? जी आशीष जी, मैं ये बताना चाहूंगा कल चूरू में 17 कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें से 16 तो चूरू में और एक जयपुर में मिले हैं। सरदारसर में सबसे ज्यादा 9 और रतननगर में 3, सुजानगढ़ और राजगढ़ में 2-2 मिले जी। में तो भंवरलाल जी शर्मा ने बताया कि 56 वर्षीय जो संक्रमित हमारे चूरू के जो नेवास में मिले थे वो जयपुर ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने वहीं पे जांच करवाई है, जो सभापति के ससुर भी हैं जी। आज सुबह की रिपोर्ट में भी चूरू से 16 पॉजिटिव आए हैं, कुल मिलाकर 208 आपके पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है जी। 208 हो गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता चूरू से योगेंद्र वर्मा, जिन्होंने जानकारी दी चूरू में किस प्रकार से हालात हैं, किस प्रकार से प्रशासन कोरोना काल में निपटने की तैयारी में जुटा है। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में 122 कोरोना संक्रमित नए पाए गए हैं, कुल मिलाकर 13,338 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में अब तक पाए जा चुके हैं, जिनमें अगर बात करें रिकवरी की 10,125 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में बात करें एक्टिव केसेज की 2,904 एक्टिव केसेज हैं पूरे प्रदेश में अभी तक। प्रशासन लगातार कोरोना से निपटने में जुटा हुआ है, अलग अलग जिलों में कोरोना जांच लैब की स्थापना की गई है। कोरोना संक्रमितों के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है तो राजधानी जयपुर, जहां पर 2,628 कोरोना संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें रिकवरी की तो राजधानी में 2,150 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है रिकवर होने के बाद में। कुल एक्टिव केस की बात करें राजधानी जयपुर में 339 मात्र केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं कोरोना के, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है लगभग 85% से ज्यादा रिकवरी रेट राजधानी जयपुर की हो चुकी है। 2,628 में से 2,150 कोरोना संक्रमितों को रिकवर किया जा चुका है, उनको अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेजा जा चुका है। राजधानी जयपुर के लिए राहत की खबर, मात्र 339 एक्टिव केस राजधानी जयपुर में कोरोना के मौजूद है।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झुंझुनू से फोन लाइन पर मौजूद हैं सुजीत शर्मा। सुजीत, क्या कुछ अपडेट है, झुंझुनू में किस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी आशीष, बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर 13 नए जो कोरोना के मामले सामने आए, इसके अंदर 7 जो मामले है अकेले वह झुंझुनू के लांबा कोठरा गांव के है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 259 की संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव की झुंझुनू में हो चुकी है। जी, 259 में से 202 रिकवर हो चुके हैं, केवल 57 एक्टिव केस आपके झुंझुनू में है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं चिकित्सा विभाग ने की है वहां पर? जी आशीष, बिल्कुल, चिकित्सा विभाग ने भी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है और रिकवरी हो रही है वो भी झुंझुनू के अंदर बहुत अच्छी हो रही है। अब तक जो रिकवरी हुई है कोरोना पॉजिटिव से, जो नेगेटिव हुए वो 200 से अधिक जो लोग है वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके अभी तक। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे झुंझुनू से संवाददाता सुजीत शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी झुंझुनू को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं झुंझुनू में की गई है, जिससे कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ा है। 202 संक्रमित इलाज के बाद झुंझुनू में स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू में कुल 260 पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 202 रिकवर हो चुके हैं, मात्र 57 केस एक्टिव हैं। और इस खबर पर हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, 122 नए पॉजिटिव सामने आए हैं आज। जी बिल्कुल आशीष, प्रदेश में लगातार कोरोना का जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीते कई दिनों से बात करें तो 300 करीब जो प्रतिदिन जो केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। बात करें तो आज सुबह जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 122 जो कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए हैं। ऐसे में अब राजस्थान में बात करें तो कोरोना पॉजिटिव संख्या 13338 हो चुकी है। बिल्कुल, तो वही जो मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, साथ ही अब जो मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 309 हो चुका है। लगातार जिस तरह से लोकेश यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से जो काम किया गया उसको लेकर जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग या जो अन्य जो तमाम जो जिस तरह से अन्य शहरों में कोरोना पॉजिटिव अन्य प्रदेशों में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उसके अनुपात में राजस्थान में उतनी दर से राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव नहीं बढ़ रहे। ऐसे में चिकित्सा विभाग के जो कार्यों को लेकर कहा जा सकता है कि जो संतुष्टि जाहिर है वो की जा सकती है। साथ ही जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जो ठीक होने वालों की जो दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, 75% से अधिक जो दर से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पूर्व में मई के माह के शुरुआत में देखा जाए तो कोरोना पॉजिटिव प्रवासी जो लोग आ रहे थे वो अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, लेकिन बीते दिनों से उनकी संख्या लगातार कम होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी जो प्रदेश में आने वाले थे जो मई माह के शुरुआत में आ चुके हैं ऐसे में अब उनकी संख्या कम हो रही है और ऐसे में प्रवासी की कोरोना पॉजिटिव आने की जो रिपोर्ट है वो भी लगातार कम होती नजर आ रही है। लोकेश, यहाँ पर प्रदेश में प्रवासी कोरोना पॉजिटिव आए थे उनको 14 दिन के लिए सीधा क्वारंटाइन किया जा रहा था ताकि संक्रमण और कहीं ना फैल सके, और उसी का ये जो परिणाम सामने निकल कर आया है कि प्रदेश में जो कोरोना का जो स्प्रेडिंग है वो उस स्तर से नहीं है जिस तरह से अन्य प्रदेशों में फैलता नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव को ठीक करने का जो काम किया जा रहा है उसमें यह है कि अब तक जो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए उनमें 10,125 जो कोरोना पॉजिटिव है वो अब तक ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो आ रहे हैं उनमें बिना लक्षणों के जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेज है वो अधिक संख्या में आ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह से चिकित्सा विभाग जो लंबे समय से जो कोरोना की इलाज कर रहा था जो चिकित्सकों की और विशेषज्ञों की राय से अब उन जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेज आ रहे थे बिना लक्षणों वाले उनको होम जो आइसोलेट है वो किया जा रहा है, वहीं पे उनका घर पे ही उनका उपचार है वो किया जा रहा है। उनको लगातार प्रतिदिन जो टेम्परेचर जांचा जाएगा, उनके जो बुखार पल्स की जो पूरी जो जांच है वो की जाएगी, और ऐसे में अगर कोई सिम्टम्स अगर उनमें आते हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाने का जो है वो काम किया जाएगा। ऐसे में बात करें तो जयपुर में पहले चरण में 19 मरीजों का इस तरह से इलाज किया जा रहा है, उनकी दूसरी जो रिपोर्ट है वो भी ली जा चुकी है, कोरोना टेस्ट है वो भी किया जा सकता है जा चुका है, और जो 19 जो पहले चरण में जो होम क्वारंटाइन के जरिए इलाज किया जा रहा है उनका प्रतिदिन जो चिकित्सकों और एएनएम जो आशा सहयोगी है उनके जरिए उनकी रिपोर्ट है वो तैयार करवाई जा रही है ताकि कहीं अगर उनमें कोई कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में बिना लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनका इलाज घर पे ही करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जी
लोकेश, यहाँ पर बात करेंगे राजधानी जयपुर की, तो जयपुर में 2628 अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2150 रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केस है 339 मात्र। तो ऐसे में जयपुर में अगर कहा जाए तो चिकित्सकों ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात करें जयपुर में, तो जयपुर में शुरुआती दौर पर जब रामगंज क्षेत्र में या चांदौर क्षेत्र में कोरोना के जो केसेज अधिक संख्या में आए थे, उस दौरान चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से एक गहन स्क्रीनिंग और एक टीम वर्क के आधार पर जो काम किया गया था, उसी का परिणाम यह है कि जयपुर में जो चांदौर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव संख्या लगातार कम होती। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जयपुर संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने अपडेट दी राजस्थान में किस प्रकार से रिकवरी रेट बढ़ रही है, जो एक राहत देने वाली खबर है।